गरीब सब्जी वाली माँ बेटियों के जादुई बैंगन। लाजवंती अपनी तीन बेटी माही, शोभा, कनिका और पति राकेश के साथ रहती थी। कुछ समय से राकेश अपने काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। इसमें लाजवंती ने झाड़ू पोछा करके अपनी तीनों बेटियों को स्कूल की पढ़ाई पूरी करवाई, पर माही की पढ़ाई अब भी जारी थी। घर के हालात अब ठीक नहीं थे। एक शाम लाजवंती जब खाना बना रही थी तो सबसे छोटी बेटी माही कहती है, माँ क्या बना रही हो आप? बेटा आज मैं घिया चने की सब्जी बना रही हूँ। नहीं माँ, मुझे ये सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा करो, आप बैंगन बना दो, वो मेरे फेवरेट है। बैंगन का भरता, बैंगन के पकौड़े। पर बेटा इस वक्त मैं बैंगन कहाँ से लाऊंगी? तुम्हें पता तो है बैंगन कितने महंगे चल रहे हैं अभी खेत में, और तुम्हारे पिताजी पता नहीं क्या कर रहे हैं। 2-4 महीने उन्होंने तितर बितर कर दिए। ये नहीं ठीक से काम कर ले, कुछ नहीं तो बैंगन ही उगा लेते अपने आंगन में या खेत में। खैर, मैंने 15 दिन पहले कुछ थोड़ी बहुत सब्जियां उगाई थी। देखो, अपने खेत में बैंगन उगे होंगे तो भरता बना लूंगी। ठीक है माँ, मैं और माही चले जाते हैं। जब तक माँ प्लीज आप घिया मत बनाना। फिर दोनों बहनें घर से थोड़ी दूर खेत में चले जाते हैं, जहां लाजवंती की उगाई गिनी चुनी सब्जियां, आलू, टमाटर, गाजर, बैंगन, मिर्ची, और वहां से छोटे छोटे बैंगनों को तोड़कर घर लेकर आती है। तुम दोनों बैंगन ले आए, अब मैं माँ के साथ जल्दी से भरता बना देती हूँ। हाँ ठीक है, वैसे तुम्हारे पापा कहाँ हैं? कुछ बताया? सुबह से दिख नहीं रहे हैं। माँ, पिताजी अपने सामने वाले अंकल के साथ कहीं गए हैं। बस इधर उधर डोलना आता है इन्हें, ये नहीं कि कोई ढंग का काम ही कर लें, अगर खेत नहीं संभलता है तो। माँ पिताजी को चिंता नहीं है तो क्या हुआ? आपकी तीन बेटियां इतनी बड़ी तो हैं कि आपके साथ काम करवा सकती हैं। मैंने खेत में देखा था, कुछ सब्जियां आ गई है। कल हम आपके साथ बेचने चलेंगे या आज शाम को ही चलेंगे? ठीक है। फिर बड़ी बेटी कनिका लाजवंती के साथ बैंगन का भरता बनवाती है, जिसे कुछ देर बाद तीनों माँ बेटी बड़े चाव से खाते हैं। इतने में राकेश भी आ जाता है। माँ पिताजी आ गए। आ गए तुम? अरे कुछ काम की तलाश करके आए हो या नहीं? तुम यही क्यों पूछते रहती हो? हाँ, ये नहीं पूछ रही कि पानी पी लो, खाना खा लो, खाना खाए कि नहीं? हाँ, अरे काम ही देखने गया था, लेकिन काम ऐसे थे जो मैं नहीं कर सकता था। अरे भारी काम मुझसे नहीं होते हैं यार। तुम्हें पता है तुम्हारी पत्नी कर रही है खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ, तो तुम क्यों कोशिश करोगे? बस बहाने कर लो। बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। ये सुनाकर खाना देना छोड़ दो, वरना मैं ही खाना खाना छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कह रही। फिर लाजवंती अपने पति को खाना परोस देती है, जिसे खाकर वो उंगलियां चाट जाता है। वाह भाग्यवान वाह, अरे खाना तो तुम बहुत ही अच्छा बनाती हो। बैंगन का भरता तो सच में लाजवाब बनाया था तुमने। अरे पता है कब से मेरे खाने की इच्छा हो रही थी, आज तुमने बना ही दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कहिए पिताजी, मैंने बनवाया है माँ से जानकर। अच्छा बेटी। फिर गपशप करके परिवार रात में सो जाता है। राकेश इधर उधर टहलता है काम की तलाश, वहीं लाजवंती अपनी तीनों बेटियों के साथ पहले खेत जाती है और टोकरी में अपने खेत की गिनी चुनी सब्जियां तोड़कर उसमें जमा कर लेती है, फिर सिर पर रख कर उन्हें मंडी में बेचने चली जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो। आइए आइए, सब्जी ले लीजिए, सस्ती सस्ती खेत की, सिर्फ 20 रुपए किलो, सिर्फ 20 रुपए किलो। आओ आओ, गाजर, टमाटर, आलू, बैंगन, मिर्ची ले लो। सुनिए, जरा मुझे सब्जी दीजिए ना, और भाव थोड़ा कम कर लीजिए। माफ करना बहन जी, इसमें कम कुछ नहीं हो सकता, खास खेत की उगी हुई ताजी सब्जी है, अभी खेत से निकली है। 1-2 रुपया बचता है, वो भी नहीं बचेगा। अच्छा ठीक है, 1 किलो आलू बैंगन और 20 रुपए की हरी मिर्च दे दो। माँ टोकरी उतार लीजिए, मैं दे देती हूँ। फिर लाजवंती टोकरी उतारती है और उसकी बेटियां सब्जी देने में मदद करती हैं। ऐसे ही जब तक खेत में थोड़ी बहुत सब्जियां आती है, लाजवंती अपनी तीनों बेटियों के साथ गली गली और मंडी में जाकर सब्जियां बेचती है, जिससे उनके घर का थोड़ा बहुत गुजारा चल जाया करता था। अब उसके खेत में सब्जियां नहीं थी तो वो खाद और बैंगन की सब्जियों के कुछ बीज डाल रही थी। क्या करूं, बीज लगाने के पैसे भी नहीं थे, इसलिए बचे हुए बैंगन के बीज निकालकर ही डालने पड़े। लाजवंती कुछ ऐसा कर ही रही होती है कि तभी एक 8 महीने के बच्चे की रोने की आवाज आती है, जो कि घुटने पर रोते हुए उसकी तरफ आ रहा था।
हे भगवान, इतना छोटा बच्चा धूप में ऐसे तड़प रहा है, इसके तो हाथ पांव जल जाएंगे। इसे गोद में ले लेती हूँ। ना मुन्ना ना, रोते नहीं है, इसे तो भूख भी लगी है। तड़पते भूखे बच्चे को देखकर लाजवंती से रहा नहीं जाता और वो बच्चे को गोद में उठाकर अपने सीने से लगाकर दूध पिला देती है। तभी वो बच्चा एक देवता रूप में आ जाता है। धन्य हो माता, आपने मुझे अपना स्तनपान करवाकर मेरी भूख मिटाई, मुझे श्राप से मुक्त कर दिया आपने। दरअसल अनजाने में एक बच्चे की मृत्यु मेरे हाथ हो गई थी, इसलिए मैं खुद बच्चा बन के यहाँ वहाँ भटक रहा था। काफी समय से किसी ने मेरी कोई सहायता नहीं की थी, लेकिन आपने कर दी, इसलिए मैं आपकी अच्छाई के स्वरूप आपको जादुई बैंगन का गमला दे रहा हूँ। इसके कुछ बैंगनों को तोड़कर आप इन्हें अपने खेत में बो देना तो आपका खेत एक जादुई बैंगन के खेत से भर जाएगा, और जो भी उस जादुई बैंगन को खाएगा उसके साथ सब कुछ अच्छा होगा। क्या सच में? शुक्रिया। ये कहकर वो देव स्वरूप गायब हो जाते हैं। तत्पश्चात लाजवंती उस जादुई बैंगन के पौधे से कुछ बैंगन को अपने खेत में दबा देती है और पानी डालकर चली जाती है। अगले दिन जब वो खेत में आती है तो उसका खेत जादुई बैंगन से जगमगा रहा था, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। मुझे तो लगा ये सब झूठ होगा, लेकिन ये तो सच में हो गया। अब इतने सारे बैंगन हैं, मैं तो इन्हें बाजार में सस्ते दाम पर बेच के आऊंगी, अब सब अच्छा हो जाएगा। शुक्रिया भगवान। फिर जादुई बैंगन को तोड़कर लाजवंती टोकरी में रखकर मंडी में बेचने चली जाती है, जहाँ फटाफट से उसके बैंगन बिक जाते हैं। आइए आइए, चमत्कारी जादुई बैंगन लीजिए। क्या बात है बहन, तुम तो अलग अलग सब्जियां लाती हो, आज सिर्फ बैंगन लाई हो। हाँ, अब इसकी खेती ज्यादा हो रही है ना, इसलिए। पर ये कोई मामूली बैंगन नहीं है, जादुई बैंगन है, एक बार खाओ फिर पता चलेगा। ऐसा भी क्या है तुम्हारे जादुई बैंगन में? अगर मेरा गूंगा बच्चा इसे खाकर ठीक हो जाएगा ना, तब मानूंगी मैं कि ये जादुई बैंगन है। ठीक है बहन, मेरी तरफ से फ्री में ये बैंगन ले जाओ, और असर हो जाए तभी पैसे देना। ठीक है। तभी कविता नाम की औरत लाजवंती से मुफ्त में बैंगन ले जाती है और अपने घर पर बैंगन की सब्जी बनाकर अपने गूंगे 5 साल के बच्चे को खिला देती है। तभी एक चमचमाती रोशनी तारे की तरह टिमटिमाती है। माँ माँ, मैं बोलने लग गया माँ, देखो मैं बोलने लग गया माँ, मेरी आवाज वापस आ गई माँ, मैं सब बोल सकता हूँ माँ, माँ आप मुझे सुन सकती हो ना, मैं सब बोल सकता हूँ माँ। हाँ मेरे बच्चे, इसका मतलब वो औरत बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगले दिन लाजवंती अपनी तीनों बेटियों के साथ बाजार में जादुई बैंगन बेच रही थी तो काफी लोग उसके पास आते हैं, यहाँ तक कि कविता भी। बहन सच में तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे दिए हुए बैंगन खाकर मेरा बेटा बोलने लग गया। जन्म के बाद उसने आज बोला, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, ये लो पैसे। हाँ बहन, मेरे पति बीमार थे, 1 महीने से ठीक नहीं थे, तुम्हारे दिए बैंगन मैंने उन्हें खिलाए तो वो बिल्कुल ठीक हो गए थे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये बैंगन कहाँ से आए तुम्हारे पास? माफ कीजिए आंटी, ये हमें मना है, हम ये नहीं बता सकते हैं। हाँ मगर जब भी आपको मदद चाहिए होगी तो हमें जरूर बुलाना, या बैंगन ले लेना। जी ठीक है। इस तरह लाजवंती के जादुई बैंगन की बहुत बिक्री होती है, जिससे उनके घर के हालात काफी सुधर जाते हैं और वो अपना नया घर भी बना लेते हैं। साथ ही राकेश भी उन जादुई बैंगनों को दूसरे गांव में लाकर बेचने लगता है ताकि लोगों की मदद कर सके। एक शाम कुछ बचे हुए बैंगनों को लेकर लाजवंती घर लौट रही थी कि उसे रोती हुई एक बुढ़िया दिखाई देती है। क्या हुआ माँ जी? मेरी बेटी को कालेपन की वजह से शादी नहीं हो रही है, और मेरे पास इतना दहेज नहीं है कि मैं दे सकूं, समझ नहीं आ रहा पैसे कहां से लाऊं। आपकी बेटी गोरी हो जाए तो पैसे देने की जरूरत नहीं है ना, ये लीजिए इन जादुई बैंगन को अपनी बेटी को खिला दीजिए, फिर देखना चमत्कार। ठीक है बेटा। फिर बुढ़िया उस जादुई बैंगन को घर ले जाकर उसकी सब्जी बनाकर अपनी बेटी को खिलाती है, जिससे उसकी काली बेटी चमचमाती रोशनी जैसी गोरी हो जाती है, जिससे उसकी शादी हो जाती है। ऐसे ही लाजवंती अपने जादुई बैंगन से बहुत सारे गरीब लोगों की मदद करती है, जिससे उनकी जिंदगी में सुधार आ जाता है और वो लोग स्वस्थ हो जाते हैं। इस तरह एक गरीब सब्जी वाली जादुई बैंगन से अपनी नहीं और भी बहुत सारे गरीबों की जिंदगी को उज्जवल करती है। चाट पकौड़ी खा लो, गर्मा गर्म चटपटी चाट पकौड़ी। बोलो भैया,
गर्मा गर्म चटपटी स्वादिष्ट चाट पकौड़ी सिर्फ 10 रुपए, प्लेट है 10 रुपए प्लेट। गरीब बहू गौरी अपने सर पर चाट पकौड़ी की टोकरी रखकर रेलवे स्टेशन पर घूम घूम कर बेच रही होती है। तभी वो गर्मी और पसीने से भीग कर थक कर एक जगह बैठकर बड़े ही उदास मन से कहती है, आज तो सुबह से एक प्लेट भी चाट पकौड़ी नहीं बिक पाई, एक पैसे की भी कमाई नहीं हुई और कल से माँ दुर्गा के 9 दिनों की नवरात्रि शुरू हो रही है। माता रानी, बिना पैसों की मैं गरीब बहू अपने घर में नवरात्रि की कलश स्थापना कैसे कर पाऊंगी? ये सोचकर उस गरीब बहू की आंख में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वो फिर से उठकर रेलवे स्टेशन पर घूम घूम कर चाट पकौड़े बेचना शुरू कर देती है। शाम तक भी बस एक दो लोग ही उसी चाट पकौड़ी खरीद कर खाते हैं। कमाए हुए थोड़े से पैसे लेकर वो रेलवे स्टेशन से दूर एक बंद गंदी पटरी पर बनी अपनी झोपड़ी में आ जाती है, जहाँ उसका गरीब बीमार ससुर जमीन पर बिछी पुले पर पड़ा होता है और वहीं उसकी सास मोहिनी चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही होती है। अरे गौरी बहू आ गई तो देखना, कब से मैं ये चूल्हा जलाने में लगी हुई हूँ, मगर ये मिट्टी का चूल्हा मुझसे जलता ही नहीं। हटी माँ जी, चूल्हा मैं जलाती हूँ। अपनी सास को हटाकर बेचारी गरीब बहू खुद ही मिट्टी के चूल्हे का धुआं छील कर खाना बनाकर अपने सास ससुर और पति को अचार रोटी परोसती है। माँ जी बाबू जी खाना शुरू कीजिए, अजी आप भी खाइए। तुम नहीं खाओगी गौरी? अजी मैं बाद में खा लूंगी, आप सब खाइए। गरीबी के चलते गरीब बहू के ससुराल वाले अचार से रोटी छुआ छुआ कर खाने लगते हैं। अगले दिन गौरी थोड़े से पैसे लेकर नवरात्रि का सामान खरीदने के लिए बाजार आती है। मेरे पास तो बस यही 20-30 रुपए हैं, इससे नवरात्रि का नारियल चुनरी फल फूल कैसे खरीदूंगी मैं? जैसे ही वो एक ठेले वाले से नारियल का दाम पूछती है तो वो 50 रुपए का होता है। पूरा बाजार घूमकर वो 25 रुपए में एक सस्ता सा नारियल और एक पतली सी चुनरी खरीदती है, फिर भी फूल बाकी रह जाते हैं। नवरात्रि की कलश स्थापना के लिए मुझे आम के पत्ते चाहिए और माता रानी को चढ़ाने के लिए माला भी, मगर बिना पैसे के कौन देगा मुझ गरीब को माला और आम के पत्ते? ये सोचते हुए गौरी रेलवे स्टेशन पर वापस लौट आती है, जहाँ पटरी के किनारे उसे गेंदे के फूलों से लदा एक पौधा और आम का भी एक पेड़ दिखता है। वो कुछ आम के पत्तों को और गेंदे के फूलों को भी तोड़ लेती है। अब मैं इन गेंदे के फूलों से माँ दुर्गा को चढ़ाने के लिए माला बना लूंगी। आम के पत्ते भी मिल गए, जय माता दी। सारा सामान लेकर गौरी घर आती है और अपने गरीब घर को अच्छे से लीप पोत कर माँ दुर्गे की मिट्टी की मूर्ति को स्थापित करके नवरात्रि पूजा करते हुए माँ दुर्गे की आरती करती है। वहीं उसका पति ससुर और सास माँ के आगे हाथ जोड़े हुए होते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। अपनी गरीब बहू को आरती गाते देखकर उसकी सास मोहिनी मन ही मन खुद को कोसने लगती है। गौरी बहू के मन में माँ दुर्गा के नवरात्रि के लिए आज भी उतनी ही भक्ति भरी है जितनी कि उन दिनों में थी, मगर मेरे किए की सजा आज मेरा पूरा परिवार भोग रहा है। माँ दुर्गा आप तो जगत जननी हो, बड़े दयालु हो सके तो मेरे परिवार के ऊपर से ये दुख भरे दिन दूर कर दो और मुझे माफ कर दो माँ। आखिर मोहिनी माँ दुर्गा से किस गलती की माफी मांग रही है? आखिर वो ऐसा क्यों मान रही है कि उसके किए की सजा उसका परिवार भोग रहा है? माँ दुर्गे के मंदिर में गौरी भजन गाते हुए उसकी आरती कर रही है। लेके पूजा की थाली, ज्योत मन में है जलाली, तेरी आरती उतारू भोली माँ, तू जो दीदी सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू भोली माँ, ओ मेरी माँ ओ मेरी माँ। आरती की आवाज सुनकर उसके सास ससुर और पति भी मंदिर में हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। माँ जी बाबू जी ये लीजिए आरती और प्रसाद। सच कहता हूँ गौरी बहू, जब से तुम हमारे घर की बहू बनकर आई हो, हमारे सोए हुए घर आंगन के तो भाग्य ही जाग गए हैं। ऐसा लगता है जैसे ये घर जी उठा है। हाँ गौरी, सुबह सुबह तुम्हें माँ दुर्गा की पूजा करते और भजन गाते देखकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है ना माँ? हाँ, मगर इस पूजा पाठ ने अच्छा खासा खर्चा भी तो बढ़ा दिया है। कैसी बात करती हो भाग्यवान, हमारे पास जो कुछ भी है ये माँ दुर्गा की ही दया से है। राकेश और राजवीर एक जाने माने बिजनेसमैन हैं, इसलिए उनके घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, मगर मोहिनी बहुत ही कंजूस है। कुछ दिन पहले ही मोहिनी ने अपने इकलौते बेटे राजवीर की शादी गरीब गौरी से की। गौरी माँ दुर्गा की भक्त है,
देखते ही देखते अब नवरात्रि आ जाती है। माँ जी मुझे 2-3 हजार रुपए दे दीजिए, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। है, 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 2-3 हजार? इतने पैसों से नवरात्रि का भंडारा करना है क्या? नहीं माँ जी, मगर स्थापना के लिए नारियल, कलश, चुनरी, पंचमेवा, फल फूल लाना है। अरे बहू, तू बेमतलब का खर्चा क्यों बढ़ा रही है? और पंचमेवा खरीदने की क्या जरूरत है? बताशे रखे हैं, उसी से भोग लगा देना मूर्ति का, वो कौन सा खाती है। कंजूसी करते हुए मोहिनी बहुत ही थोड़े से पैसे बहू को देती है। ऐसे ही 8 दिन बीत जाते हैं। माँ जी कल कंजक खिलाना है, प्रसाद बनाने के लिए सामान लाना है, पैसे दे दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, ये ले 200 रुपए। 200 रुपए? मगर माँ जी इतने में आटा, सूजी, घी, केला, चना, ये सब कैसे आएगा? अरे बहू पाव पाव भर ले लेना, वैसे भी कन्याएं कौन सा हमारे घर में ही पेट भर कर खाना खाएंगी, उनको तो बस पैसे कमाने की होड़ होती है, थोड़ा सा खाकर चली जाएंगी। मोहिनी के कंजूसी के चलते कंजक खाने आई कन्याएं आधा पेट खाकर चली जाती हैं। उसी शाम जब सभी साथ बैठे होते हैं तभी राजवीर को फोन आता है। क्या, ऐसा कैसे हुआ? क्या हुआ राजवीर? फैक्ट्री में आग लग गई। माँ, इस घर पर लोन उठाकर मैंने वो फैक्ट्री डाली थी, अब ये घर भी हमारा नहीं है। एक ही पल में वो सभी रास्ते पर आ जाते हैं और तब से वो रेलवे स्टेशन पर झोपड़ी डालकर रह रहे हैं। इसी तरह से नवरात्रि बीतती है और गौरी के साथ गरीब ससुराल वाले भी नवरात्रि का निर्जला व्रत रख कर श्रद्धा भक्ति से माँ की पूजा और ज्योत बाती करते हैं और पानी पीकर ही रोज सो जाते हैं। बहू आज नवरात्रि है और हमारे पास तो प्रसाद बनाने का सामान ही नहीं, ऐसे में हम कन्याओं को कंजके कैसे खिलाएंगे? माँ जी चिंता मत कीजिए, माता रानी की दया से मुझे रेलवे स्टेशन की सफाई का काम मिला है, मैं और राजवीर जी वहीं जा रहे हैं और उधर से कन्याएं भी ले आएंगे। रेलवे स्टेशन की सफाई करके मिले हुए पैसों से वो गरीब बहू थोड़ा थोड़ा सामान खरीद कर घर लाती है जिससे वो प्रसाद बनाती है, मगर कोई भी अपनी लड़कियों को कंजक खाने के लिए वहां नहीं भेजता। क्या हुआ बहू, कन्याएं कहाँ हैं? माँ जी कोई भी अपनी लड़कियों को हमारे घर कंजक के लिए नहीं आने दे रहे क्योंकि हम रेलवे स्टेशन की गंदी पटरी पर रहते हैं, इसीलिए। मगर बहू बिना 9 कन्याओं को कंजक खिलाए हमारे नवरात्रि कैसे पूरी होंगी? हे माता रानी दया करो, हमने श्रद्धा भक्ति और पूरे मन से तुम्हारी नवरात्रि का व्रत किया है, हमारे घर कन्याओं को भेजो माँ। दोनों गरीब सास बहू माता रानी के आगे साथ में विनती करने लगती हैं। तभी 9 छोटी कन्या उनके दरवाजे पर आती हैं। मैया देखो हम आ गए, कन्याओं को कंजक नहीं खिलाओगी? मैया तुम्हारे घर से पूरी हलवे के प्रसाद की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, इसीलिए हम 9 कन्याएं तुम्हारे घर कंजक खाने आई हैं। हमें कंजक नहीं खिलाओगी? जरूर खिलाऊंगी, मैं तुम सभी को कंजक। आओ अंदर आओ। दोनों सास बहू अपने आंसू पोंछकर कन्याओं को अंदर बुलाकर बिठाती हैं और उनके पांव धोकर उनको टीका लगाकर कलावा बांधती हैं और प्रसाद परोसती हैं। अचानक से माँ दुर्गा उनके सामने आ जाती हैं और कंजक खाने आई 9 की 9 कन्याएं उनमें समा जाती हैं। माँ दुर्गा आप, मुझ करीब के घर आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए माँ। गौरी तुमने और तुम्हारी परिवार ने सच्चे मन से मेरे नवरात्रि की है और अब मोहिनी के मन में भी मेरे लिए भक्ति है, तुम्हारी श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? माँ दुर्गा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपके दर्शन हो गए, हमारे लिए वही बहुत है। नहीं गौरी, तुम्हारी मन में मेरे लिए जो श्रद्धा है उससे मैं प्रसन्न हुई, उसके लिए मैं तुम्हें तुम्हारा घर वापस लौटा रही हूँ। इसी के साथ माँ दुर्गा के दाहिने हाथ से एक रोशनी निकलती है और वो झोंपड़ी बड़े बंगले में बदल जाती है और उनके गरीब फटे पुराने कपड़े भी बदल जाते हैं और वहाँ ढेर सारे बड़े बड़े पतीलों में सोना चांदी पैसा भरा हुआ होता है। इसी के साथ माँ दुर्गा गायब हो जाती हैं।